मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी कामरान अकमल जब ईशांत शर्मा द्वारा फेंकी गई नो बॉल से आउट होने से बच गए, तब उन्होंने ईशांत का मजाक उड़ाया और इसी बात से गुस्से में ईशांत ने अगली ही बॉल में कामरान को चकमा दे दिया, जिसके बाद ये दोनों खिलाड़ी पिच पर ही एक दूसरे पर चिल्लाते हुए भिड़ गए। दोस्तों, अगर एम्पायर और युवराज सिंह इन दोनों खिलाड़ियों को ना हटाते तो मैच के बीचों बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट देखे, इसी वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जितने भी फाइट हुए हैं ग्राउंड में, तो वो सारे मैं इसी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्रिकेट फाइट जो होते हैं वो होते रहते हैं, और फिर इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता हो तो फिर जरूर उसी मैच में एक फाइट जरूर होता है, स्लेजिंग होती रहती है। तो चलो ये वीडियो कंप्लीट देखे कि आगे क्या होने वाला है। ईशांत शर्मा को क्या करना चाहिए था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं उस वाक्य की जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच का आखिरी दो ओवर का मैच चल रहा था। भारत को जीत के लिए 7 बॉल पर 7 रन बनाने थे। ऐसे में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह यानी हमारे भज्जी पाजी को परेशान करने के लिए बॉल डाली, जिसके बाद उन्होंने भज्जी को परेशान करने के लिए कुछ बातें भी बोल डाली। इसी के बाद हमारे भज्जी पाजी को गुस्सा आ गया और दोनों अच्छा। के बीच मैदान में बहस होने लगी। अच्छा, ये वीडियो इंडियन है, किसी इंडियन बंदे ने बनाई है, तो इसमें इंडियन की फेवरेटिज्म ज्यादा होगी, इसलिए पाकिस्तानी लोग जरा शान होकर ये वीडियो देख लिया। ये छक्का मारा था हरभजन सिंह ने और फिर बहुत सारी मस्तियां की थी ग्राउंड में, शोएब अख्तर को गुस्सा करने के लिए दमदार रूप दिखाया और बीच ग्राउंड में ही नाचने लगे, जैसा कि वो अक्सर जीतने की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं उस नजारे की जिसके बारे में हर क्रिकेट प्रेमी को अच्छे से याद होगा। ये बात तब की है जब इंडिया और पाकिस्तान जिस पर हर बार बार कामरान अकमल अपील करता था गौतम गंभीर की अपील करके गौतम गंभीर को परेशान कर रहे थे। ये सिलसिला कई बार होने के बाद गौतम गंभीर ने कामरान अकमल से डायरेक्टली पूछ ही लिया कि भाई तुम चाहते क्या हो, जिसके बाद उन दोनों ही खिलाड़ियों की आवाज तेज होने लगी। लेकिन गौतम गंभीर के साथ खेल रहे कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी ने गौतम गंभीर को समझाया और इस मामले को शांत करवाया, वरना ये बहस क्या रूप ले लेती किसी को नहीं पता था। अब हम बात करते हैं तो उस नजारे की जिसके बाद गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के ऊपर फाइन लगा दिया गया था। हुआ यूं था कि इस मैच के दौरान एक रन लेने के लिए गौतम गंभीर दौड़ रहे थे, तभी वो बॉलिंग कर रहे शाहिद अफरीदी से टकरा गए, जिसके बाद दोनों में बहस होने लगी। बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों गाली गलौज पर उतर आए। एम्पायर के रोकने के बावजूद ये दोनों नहीं रुके। ये झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि दोनों को ही मैच के दौरान अभद्र भाषा के रूप में बात करने की वजह से फाइन देना पड़ा। दोस्तों, भले ही इस वाक्य के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि यहाँ किसी में कोई बड़ी बहस नहीं हुई थी, ये वाक्य हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना, इसी में खेल की असली जंग हुई थी। दोस्तों, असल में हुआ ये कि जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, तभी वीरेंद्र सहवाग को शोएब अख्तर लगातार बाउंसर बॉल फेंक रहे थे। अच्छा, ये वही वीरेंद्र सहवाग कोई ऐसा शॉट मारे कि जिससे वो आउट हो जाए। तभी वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को पास बुलाकर कहा कि यही बॉल मास्टर ब्लास्टर को यानी सचिन तेंदुलकर को फेंक कर दिखाओ तो जाने, जिसके बाद ठीक वही हुआ। शोएब अख्तर ने सचिन को बाउंस बॉल खिलाई और सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का जड़ दिया, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने बिल्कुल जोरदार छक्का नहीं तैयार था, पे लगा बाप होता है और बेटा बेटा फिर वही बाप और बेटे। जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो 1992 के वर्ल्ड कप का है, जहां पर भारत के विकेट कीपर किरण मोरे, जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन जावेद मियादाद पर बार बार आउट की अपील कर रहे थे, जिससे गुस्सा खाकर जावेद ने बॉल कर रहे बॉलर को रोका और पीछे मुड़कर किरण मोरे से कहने लगे क्या परेशानी है तुम्हें। फिर उसके बाद दोनों का ही गुस्सा चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से जावेद ने अगली ही बॉल पर बाउंड्री जड़ दी और उछल उछल कर भारतीय विकेट कीपर किरण मोरे को चिढ़ाने लगे। दोस्तों, जावेद का ये अंदाज काफी वायरल भी हुआ था।
अब हम बात करते हैं उस मैच की जब वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाना था। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे आमिर सोहेल ने जब वेंकटेश प्रसाद की कई बॉल पर चौके मारने के बाद उनसे बदतमीजी से ये कहा कि जा तुम्हारी अगली गेंद पर भी बाउंड्री मारूंगा, लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने बदतमीजी का बदला आमिर को अगले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करके ले लिया। ऐसा तो खैर नहीं हुआ था, लेकिन ये वीडियो भारतीय वीडियो है, मतलब किसी भारतीय शख्स ने बनाई है, तो इसलिए भारत का फेवरेटिज्म इसमें ज्यादा है, तो पाकिस्तानी इस पे गुस्सा ना हो। बाकी वीडियो अच्छी थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इस तरह के फ्लेजिंग जो होते हैं क्रिकेट में होते रहते हैं, और फास्ट बॉलर जो होते हैं वो मैक्सिमम स्लेजिंग करते हैं, और हर टीम में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जो स्लेजिंग के लिए खुश होता है और वो बहाना ढूंढता है कि किस तरह मैं किसी बैट्समैन को छेड़ू या फील्डर को छेड़ू या बॉलर को छेड़ू, तो इस तरह होते रहते हैं यार क्रिकेट में, और इससे क्रिकेट गर्म भी होता है, मैच में एक वो आ जाता है, सनसनीखेज मैच वो होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। खान रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें। वस्सलाम।